Students and learners, lesson 39, My House and Neighborhood. So, in Hindi meaning, Mera Ghar or Mere Padosi. Okay, so, students and learners, aaj ka lesson kaafi interesting hone wala hai, kyunki aap variety of houses and variety of कम्युनिटी के बारे में जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट आपका जो वोकैबुलरी रहने वाली है. ओके, सो रूरल अर्बन सबर्ब नेबर एंड नेबरहुड. सो रूरल क्या है, अर्बन क्या है, सबर्ब क्या है. ओके, आई लिव इन सबर्ब एरिया. ओके, मैं सबर्ब एरिया में रहती हूँ. ओके, आप किस एरिया में रहते हैं, रूरल अर्बन एंड सबर्ब, और आपका नेबर कैसे है, नेबरहुड कैसा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा जाएगा कितनी टाइप की कम्युनिटीज होती है. तो फर्स्ट एक होती है जो रूरल होती है, एक अर्बन होती है, सबर्ब होती है. सबर्ब एरिया जहाँ पे सिर्फ हाउसेस होते हैं मोस्ट, वहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल नहीं होते. जैसे अर्बन एरिया होता है, अर्बन एरिया में हर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है. ओके, इन आ सेंट्रल लाई का दरियागंज, मैं पहले दरियागंज साइड रहती थी, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था. ओके, हाउसेस छोटे थे बट वहाँ पे सारी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल, मार्केट्स और वट एवर यू वॉन्ट, देर इज इंस्टीट्यूट, देर इज अ लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट. ओके, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है. बट अब मैं सबर्ब एरिया में रहती हूँ बट यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, बट यहाँ पे हाउसेस अवेलेबल हैं, लॉट्स ऑफ हाउसेस. ओके, सो ये डिफरेंस होता है अर्बन एंड सबर्ब में. अब रूरल क्या होता है, रूरल होता है विलेज एरिया. ओके, सो उसको रूरल कहा जाता है. थ्री टाइप ऑफ कम्युनिटी होती है, रूरल, अर्बन एंड सबर्ब. इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो भी वॉच कराई जाएगी, तो प्लीज़ केयरफुल होके देख लीजिएगा, और उसकी वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगी, वो मेरे पास अवेलेबल है. ओके, सो आपको डिफरेंस पता चल गया कितनी टाइप ऑफ कम्युनिटीज होती है, रूरल, अर्बन एंड सबर्ब. रूरल जो विलेजर्स होते हैं, अर्बन जहाँ पे हॉस्पिटल, मार्केट्स एंड जितनी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है वो अवेलेबल होती है इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग. ओके, एंड सबर्ब एरिया जस्ट लाइक अ जहाँ पे लॉट्स ऑफ हाउसेस कम्युनिटीज होते हैं, सिर्फ हाउसेस होते हैं और फैसिलिटीज कम होती हैं. वो आप जो वीडियोस देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा. ओके, वो वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया. मैंने भी एफपी के थ्रू ही ये चीज़ सीखी थी. ओके, मुझे भी नहीं पता था कितनी टाइप ऑफ कम्युनिटीज अलग अलग होती हैं, इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं. ओके, देन अब ये और क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस ओके, आपको यहाँ पे वोकैबुलरी में नेबरहुड मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ों, इसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक्शन प्ले रोल्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैसिलिटेटर्स एंड योर ब्रांच. ओके, आपके नियर बाय आपका नेबरहुड क्या है वो आप एक्सप्लेन करोगे अकॉर्डिंग टू योर फैसिलिटेटर. ओके, आप कौन से एरिया में रहते हो, क्योंकि अलग अलग अब तो एफ ई हर जगह अवेलेबल है, रूरल, अर्बन, सबर्ब में. मैं तो सबर्ब में, अब मैं सबर्ब में रहती हूँ, पहले मैं अर्बन में रहती थी. तो आपको अपने अकॉर्डिंगली आपका नेबरहुड एक्सप्लेन करना है, आपकी कम्युनिटी एक्सप्लेन करनी है, देन प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ एफपीए. ओके, देन और हाँ, यस्टरडे का जो वर्ड था वो आपको डिस्क्राइब करना होगा. ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, आपको याद होगा जो यस्टरडे के वोकैबुलरी थी उसका प्रोनाउंसिएशन कैसी थी, और आपका कॉप भी हायर किया जाएगा जो आपकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको सिखा सके और आप उसको बता सके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है. ओके, कोई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन में स्पीक करे तो उसको वो करेक्ट करेगा. सो आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, आई होप कि आप कॉप बन सके. ओके, देन ओके, हाउसेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करा जाएगा कि कितने टाइप ऑफ हाउसेस होते हैं उसके रिगार्डिंग. ओके, आपको एक्सप्लेन करना होगा कितने टाइप के हाउसेस होते हैं, स्मॉल, बिग, लार्ज, और क्या क्या उसमें डिफरेंसेस होते हैं वो आप सीखोगे. ओके, सो मैं वीडियो इस पे लिंक में दे दूंगी, तो आप उसको वॉच आउट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स,
ओके वीडियो जो आपको दिखाई जाएगी व्हाट इज अ शबब एरिया, तो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, तो प्लीज उसको अच्छे से केयरफुल होकर वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके. व्हाट डज टाउन, टाउन क्या होता है, सिटी, सिटी हैव अ शबब, सिटी क्या होती है. ओके ये चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी. टाउन एक स्मॉल शहर होता है, सिटी अज अ लार्ज. ओके या शबब हैज अ सिटी, तो अर्बन हैज अ सिटी, तो ये एक्सप्लेन किया जाएगा आपको अच्छे से. देन इज योर नेबरहुड सिमिलर, आपका नेबरहुड जो वीडियो दिखाएगी उससे सिमिलर है या डिफरेंट है, वो वीडियो में आपसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. ओके ये याद रखिएगा, यूजिंग अ बोर्ड डक्शन नेबरहुड. ओके सो ये आपको नेबर और नेबरहुड के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा. देन नेक्स्ट आपको ओके सो यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग टू बुक. देखिए यहाँ पे आपको एक हाउस दिया गया, बेडरूम है, बाथरूम है, टू बेडरूम्स हैं, किचन है, लिविंग रूम है, डाइनिंग एरिया है. सो यहाँ पे देखिए नंबर्स दिए गए हैं, सो नंबर के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट है बेडरूम, तो आपको फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट लिखना होगा, वन 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 बेडरूम. ओके यहाँ पे आपको वन बेडरूम लिखना होगा. सेकंड आपका है बाथरूम, तो आपको यहाँ पे सेकंड बाथरूम लिखना होगा, यानी टिक करना होगा. ओके देन ये तो हो गया. और हाँ इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी लिंक शेयर करूंगी, चेकआउट कर लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ओके न्यू अपडेट्स के लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके. ओके देन मैच द पिक्चर्स, ओके आपको पिक्चर मैच करनी है. ओके आगे भी दिखा देती हूँ, हाँ पार्ट बी में आप देखो आपको मैच करना है. टैप अभी मैंने नेक्स्ट में आपको दिखाया, टैप पे आप टैप मैच करोगे, स्टोव मैच करोगे. ओके देन इस पर आप मैच करना है. ओके अलमेरा, टॉयलेट, कबर्ड, गेट, ओके सोप, सब के आपको मैचिंग करनी है. ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे. देन और हाँ आपको पार्टिसिपेट करना हो एज अ पार्टनर के साथ, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, तो प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा खुद को. ठीक है देन वन सेकेंड ओके ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउसेस के डिफरेंस कितने, कई हाउसेस डिफरेंट हाउस कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, वो आपको मेंशन करना होगा. फैसिलिटेटर आपको गाइड भी करेंगे एंड देन क्वेश्चन भी कर सकते हैं. और उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं, क्या डिज़ाइन उसमें यूज होते हैं. देखिए जो लग्जरी हाउसेज होते हैं उसमें डिज़ाइन यूज होते हैं, बट जो स्मॉल हाउसेज होते हैं, जो पर्सन जिनके पास ज़्यादा मनी नहीं है, तो वो किसी भी तरह के हाउस बिल्ड कर लेते हैं. ये तो आपको आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर सिटीज एंड विलेजेस में होता है. ठीक है सो लो टाइप मटेरियल यूज़ करते हैं, और डिज़ाइन तो देखिए लग्जरी हाउसेज होते हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं. ओके हाउस साइज एंड इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. साइज ऑफ द फैमिली, कितनी टाइप ऑफ फैमिली का साइजेस क्या होता है. यूज ऑफ हाउस, ओके उसका रीज़न क्या होता है, यानी हाउस में जब हम रहते हैं उसका रीज़न क्या होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है रीजनिंग के साथ. ओके सो ये चीज़ के कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स. देन ओके आपको डिवाइड किया जा सकता है टू ग्रुप में. ठीक है देन आपकी एक्टिविटीज एज अ हाउसेस से और नेबरहुड के बारे में हो सकती है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके एंड नेक्स्ट आपका है ओके डुलिंगो ऐप आपकी होगी, देन उस पर भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी. रिमाइंड ओके आप गूगल प्ले पे मैंने हम बताया डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो भी आपको सजेस्ट करा जाएगा. ठीक है ओके आपको एक स्टोरी भी
गाइड करी जाएगी। देन एक्टिविटी जो भी होगी, क्रिएटिविटी एंड कोलाबरेशन इंक्रीजिंग, ये चीजें आपको इंटरेस्ट इन, हाँ ओके, ग्रुप ऑफ फ्रेंड के साथ डुलोंगो आप भी कराई जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर फैसिलिटेटर। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है कि आपको डुलोंगो ऐप सिखाई जाएगी, तो आप खुद को तैयार कर लीजिएगा। देन FCA में भी पूछ लीजिएगा आपके सीनियर्स से, ओके क्योंकि अलग अलग FCA में अलग अलग अकॉर्डिंगली सिखाया जाता है। देन ओके, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके सो प्लीज जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आज के लेसन में आई होप मैंने जो आपको बताया, नो, यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग तो रही गया, पार्ट सी में आपका कंपैरिजन रह गया। देखिए ये सिटी है और ये विलेजेस है, इसमें आपको कंपेयर करना है, डिफरेंस बताना है। सो ये पिक आपको मैं बता दूं, ये चांदनी चौक की बंगला साहिब की है, ये वहाँ की पिक है, ये आपको बता दूं। और ये विलेज का तो मुझे पता नहीं, आपको कंपैरिजन करना, क्या डिफरेंस है, लॉट्स ऑफ डिफरेंस है। देर इज अ क्राउड प्लेस एंड देर इज अ ओनली वन हाउस ऑन 1, 2, 3 पीपल लिव देयर। ओके ये डिफरेंस है, और यहाँ पे ग्रीन एरिया है और यहाँ पे ग्रीनी एरिया नहीं है। ओके यहाँ पे बिल्डिंग्स है एंड काफ़ी सारे लोग आते जाते हैं। सो ये क्राउड एरिया है और ये थोड़ा साइलेंस एरिया है। सो मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको ये यूजफुल लगेगा। ओके लिंक शेयर करूँगी इसके रिगार्डिंग वीडियो। ओके एक तो वीडियो जो मैंने पहले क्रिएट की थी, और जो FCA की वीडियो से रिगार्डिंग वो शेयर करूँगी। ओके सो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, आपको हेल्प होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक लेटा टाटा बाय।